घर न रहे, सामान रहे, नए साज रहे, वक्त हिंद मेरा। वे दिन थे जाबाजी के, शहादत और बलिदान के। इलाहाबाद में देश की धरती को लहू का तिलक करने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटे से गांव भाबरा में हुआ। चारों तरफ घना जंगल था। रियासत के एक बागीचे में पंडित सीताराम तिवारी रक्षक थे। 23 जुलाई 1906 को इनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। मां जगरानी देवी ने इसका नाम रखा चंद्रशेखर। भील बच्चों के साथ तीर चलाना, उड़ते पंछी को मार गिराना, यही चंद्रशेखर का बाल जीवन था। कुछ बड़े हुए तो एक व्यापारी के साथ जा पहुंचे बंबई। काम मिलते गए, करते गए। आखिर जहाज पर रंगसाजी का काम ठीक लगा, लेकिन मन उलाहना देता। पेट ही पालना था तो माता पिता को दुखी क्यों किया, घर से भागे क्यों। इन उलाहनों से तंग आकर बनारस गए। मन में निश्चय लिए कि संस्कृत पढ़ूंगा, पिताजी की इच्छा पूरी करूंगा। संस्कृत पाठशाला में दाखिला भी मिल गया। पिताजी के एक मित्र शिव विनायक मिश्र ने धीरज बंधाया, हौसला बढ़ाया। लेकिन किताबी पढ़ाई शायद नसीब में नहीं थी। आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। जलियांवाला बाग के कत्लेआम ने देश को हिला दिया। दिल की धड़कनों से आवाज उठी, भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना। चरखा आजादी का प्रतीक बन गया और चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता संग्राम में पहला कदम रखा। चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में चंद्रशेखर ने अपना नाम बताया आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, घर जेलखाना। 15 कसूरी बेंतों की सजा मिली। हर बेंत के साथ नारा बुलंद हुआ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद हो गए। काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाया। यहां परिचय हुआ क्रांतिकारियों से और क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई। चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। योजना सफल रही। आजाद के एक सहयोगी सदाशिव राव मलकापुरकर कहते हैं, काकोरी स्टेशन पर रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 हमारे देशभक्तों ने रेल से खजाना लूट लिया। ये घटना 9 अगस्त सन 1925 की है। यही है वो जगह जहां खजाना लूटा गया। अब अज्ञातवास शुरू हुआ। आजाद झांसी आ गए। आजादी के परवाने मास्टर रुद्र नारायण सिंह ने आसरा दिया, बढ़ावा दिया। वतन परस्तों का आशियाना लुट गया था, आजाद ने उसे फिर से बनाने का काम शुरू किया। क्रांतिकारी कार्य की कमान संभाली। इसी बीच काकोरी केस का फैसला सुनाया गया। आजाद के सहयोगी क्रांतिवीर शिव वर्मा के शब्दों में, काकोरी केस में 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड मिला था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। इनमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को जेल से छुड़ाने के हम लोगों ने कई एक प्रयास किए, लेकिन हमें किसी प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी। तो अंत में पार्टी की तरफ से मुझे ये आदेश हुआ कि मैं जाके जेल में फांसी से एक दिन पहले उनसे मुलाकात करूं और पता लगाऊं
कि पार्टी के हथियार कहाँ कहाँ रखे हैं और दूसरे संपर्क कहाँ क्या क्या हैं। उनके पिता दशरथ द्विवेदी, मैं, हम तीनों जेल के लिए रवाना हुए। पिताजी बिस्मिल की माँ को अपने साथ नहीं लाए थे, ये सोच के कि शायद माँ रोएगी और आखिरी वक्त मुमकिन है बिस्मिल का दिल भारी हो जाए, तो माँ को अपने साथ नहीं लाए थे। लेकिन हम जब जेल के गेट पर पहुँचे तो हमने देखा कि माँ वहाँ पहले से मौजूद थी। फांसी की कोठरी के हम लोग सामने पहुँचे तो माँ को देखकर बिस्मिल रो पड़े और उनको देखकर उनके पिताजी रोने लगे। उस समय माँ उठकर खड़ी हो गई और बिस्मिल की आंखों में आंखें गड़ाकर उन्होंने कहा कि बस हो गया इनकलाब, हो गई क्रांति। अगर तुमको रोकर मरना था तो इस रास्ते पर आए क्यों थे? बिस्मिल ने जवाब भी उतना ही अच्छा दिया। उन्होंने कहा, माँ तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कायर नहीं, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। ये आंसू इस बात के हैं कि शायद मुझे दोबारा तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी, तुम्हारी गोद नहीं मिलेगी। आजादी के चारों परवाने फांसी पर झूल गए। झांसी में पुलिस की सरगर्मियां बढ़ी तो आजाद के लिए पास ही सातार नदी के तट पर रहने का इंतजाम किया गया। यहां वे हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे। पास ही भीमरपुरा गांव था जो अब आजादपुरा हो गया है। आजाद ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्रांतिकारी दल के संगठन का कार्य पूरे जोरों के साथ शुरू हुआ। मास्टर रुद्र नारायण नौजवानों को सातार तट पर भेजते थे। आजाद उन्हें वीर सावरकर जी की पुस्तकें पढ़ने को देते। मनोभूमि तैयार होने पर उन्हें क्रांतिकारी दल में शामिल किया जाता था। झांसी ने आजाद को तीन अनन्य साथी दिए, विश्वनाथ वैशंपायन, सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर। इनका एक ही अरमान था, एक ही तमन्ना, मेरे सोने की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। बजरंगबली की इस मढ़िया से क्रांतिकारी संगठन की जड़ें पूरे उत्तर भारत से महाराष्ट्र तक पहुंची। आशियाना बना और खूब बना। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में एक बैठक हुई। इसमें पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सभी प्रांतों के सदस्य शरीक हुए। पंजाब में भगत सिंह तथा नौजवान भारत सभा के सभी नौजवान आजाद के साथी बन गए। भगत सिंह के आग्रह पर समाजवाद को लक्ष्य माना गया और दल का नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दल की कार्यकारिणी समिति बनाई गई। सर्वसम्मति से चंद्रशेखर आजाद को कमांडर इन चीफ चुना गया। धन जुटाया गया, हथियार आए, बम बनने लगे। सरफरोशों के दिल बेताब थे जिस साम्राज्य पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता था उसकी नींवें हिलाने के लिए। इंतजार था बस मौके का। सन 1928 साइमन कमीशन आया। सारे देश में इसका विरोध हुआ। अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता हद से बाहर जा पहुंची। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब नौजवान भारत सभा के युवक भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, सुखदेव आदि ने विराट जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय।
पुलिस ने जुलूस पर इस बेरहमी के साथ लाठियां चलाईं कि भस्मासुर भी शर्मा जाता। लाला जी बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। लाला जी के खून का बदला लिया गया। 17 दिसंबर 1928 के दिन जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल पर कोतवाली से बाहर आया, जयगोपाल ने इशारा किया और राजगुरु ने आगे बढ़कर उस पर पहला वार किया, फायर किया। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने अपने पिस्तौल उसके ऊपर खाली कर दिए। वहाँ से उनको डीएवी कॉलेज के छात्रावास की तरफ जाना था। जैसे ही वो उस तरफ चलने लगे तो चनन सिंह नाम के एक हवलदार ने इनका पीछा किया। अगर वो चाहता तो राजगुरु को पकड़ सकता था, लेकिन उसने राजगुरु को न पकड़कर भगत सिंह को पकड़ना ही ठीक समझा। इस दौड़ में एक अवस्था ऐसी आई जब भगत सिंह आगे, चनन सिंह बीच में और राजगुरु पीछे हो गया। राजगुरु चाहता था कि चनन सिंह को पकड़े ताकि भगत सिंह को निकल जाने का मौका मिले। चनन सिंह हाथ बढ़ा रहा था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएवी कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आज़ाद ने पहला फायर किया जो चनन सिंह के रान में लगा। चनन सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चनन सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आज़ाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहाँ से बाहर हो सके। पुलिस ने लाहौर के चारों तरफ घेरा डाल दिया। इस घेरे में से बाहर कैसे निकलें? भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी बताती हैं। सैंडर्स मर्डर के बाद रात को सुखदेव मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो आप जा सकती हैं। मैंने कहा जा सकती हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या प्लान था और क्या हुआ, लेकिन मैं तैयार हो गई। रात को 10:30 बजे जब पुलिस वाले चले गए घर से, तब ये लोग आए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। राजगुरु नौकर के वेश में थे, भगत सिंह साहब के वेश में थे, फेल्ट हैट एंड चेस्टर पहने हुए। तो सुबह पुलिस वालों के आने से पहले ही ट्रेन जाती थी तो हमने मैम साहब का रूप बनाया, हाई हील का जूता पहना और कपड़े बढ़िया से बढ़िया, मुँह पर पाउडर पोता, और भगत सिंह दोस्त थाई साहब बना हुआ, उसने मेरे लड़के को बाएं हाथ से लिया, आधा मुंह ढक लिया और आधे मुंह पर उसने अपनी वो हैट लटका ली। इस तरीके से हम टांगे से सही सलामत स्टेशन पहुंचे। भगत सिंह को कलकत्ता भेजकर आजाद आगरा गए। आगरा और ग्वालियर में मकान लिए गए, बम फैक्ट्रियां शुरू की गईं। ग्वालियर में बने दो बम 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली दिल्ली में फेंके गए। बम के साथ पर्चे फेंके गए। इनमें कहा गया था, पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद जैसे कानून दमन चक्र को और भी तेज कर रहे हैं, जनता को कुचला जा सकता है लेकिन आजादी की भावना को कोई ताकत नहीं कुचल सकती। फिर धरपकड़ शुरू हुई, लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र केस चले, आशियाना फिर लुट गया, रह गए आजाद और इन्हें गिने 2-4 साथी। अज्ञातवास का नया दौर शुरू हुआ। कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, दिन रात की दौड़ धूप, पुलिस पीछे लगी हुई। लाहौर केस का फैसला सुनाया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा, बाकी को कारावास। और इसी वक्त गद्दारों की मेहरबानी से आजाद का दाहिना हाथ विश्वनाथ वैशंपायन भी पकड़ा गया। फिर भी वही धुन, फिर से आशियाना बनाने की धुन। इसी धुन में वे मोतीलाल जी और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। गद्दारों से सूचना पाकर पुलिस ने आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। आजाद
अभिमन्यु की तरह लड़े लेकिन चक्रव्यूह से निकल न सके। प्रतिज्ञा थी दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। प्रतिज्ञा पूरी हुई। माता जगरानी देवी भाबरा में चंद्रशेखर के लौटने का इंतजार करती रही। दो उंगलियां बांध रखी थीं। चंद्रशेखर से मिलन के बाद इन्हें खोलना था लेकिन ये मिलन सपना ही बना रहा। सेनानियों के सेनानी ने अपने प्राण देकर तरुणाई को प्राणवान बनाया, खुद अंधेरी राहों पर चलकर आजादी की राहें रोशन की। चंद्रशेखर आजाद जीवन भर आशियाना बनाते रहे, तोड़ने वाले तोड़ते रहे, लेकिन उनकी अमर शहादत ने जो आशियाना बनाया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो कोटि कोटि भारतवासियों के कृतज्ञ हृदयों में सुरक्षित है। कौम के वास्ते ये जान जो मिट जाएगी, कौम के वास्ते ये जान जो मिट जाएगी, नाम चमकेगा मेरे बाद सितारा होकर, मर के भी दर्द ना भारत का मिटेगा दिल से, खून तड़पेगा मेरा जोश से पारा।